अभी को मालूम है गेमर्स, हम लोग पहले प्रूफ दिखाते हैं उसके बाद वीडियो की टॉपिक वगैरह में बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मुझे रिनेम कार्ड मिल चुका है फ्री में, टोटली फ्री में। और अगर आप बाई करना चाहते हो तो 180 यूसी में आप लोगों को बाई करना पड़ेगा। तो मुझे तो भाई फ्री का चीज़ चाहिए, तो मैंने फ्री में ले लिया और मेरा नाम भी चर्च कर दिया कोलकाता पांडा। तो कैसे क्या किया क्या नहीं जानने के लिए फुल वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो मसन जी, बस कैसे हो आप लोग, और एक ना वीडियो में आप लोग सदा। आज की वीडियो बहुत ही ओपी एंड कतई जैर वाली होने वाली है। पब्लिक क्या बोलते हैं, पब्लिक ओपी बोलते हैं। पब्लिक बहुत दिन से बोल रहा था रीनेम कार्ड के ऊपर वीडियो लाओ, तो भाई उसके लिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को रीनेम कार्ड कैसे फ्री में मिलेगा। तो वीडियो को यहीं तक देखते रहना, और हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं उन लोगों को कहना चाहेंगे हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर दो, क्योंकि हम लोग ऐसे टाइप की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो और कोई भी यूट्यूबर उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं थोड़ा देरी होगा बट मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा और मैं ले आ दूंगा, ठीक है। और जैसे कि आई कार्ड रीनेम कार्ड इधर देख सकते हो, 180 यूसी खर्च करना पड़ेगा भाई साहब। इतना यूसी मतलब अभी यूसी बाई करना तो मतलब मुश्किल हो गया, तो भाई इतना यूसी कैसे खर्च करें। तो इसके लिए आज की जो ट्रिक है आप लोगों को टोटली फ्री में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे मिलेगा क्या नहीं। हालांकि मैं थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं जो चेंज कर रहा हूँ नाम चेंज करके क्या रख रहा हूँ, कोलकाता पांडा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने एक नया चैनल ओपन किया है। कार्टून वगैरह मैं डालता रहता हूँ उधर कोलकाता पांडा कह के, आप अगर चाहो तो जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं कम्युनिटी में दे दूंगा 2 दिन के अंदर। और चलो आज की जो ट्रिक है ये दिखाएंगे आप लोगों को। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा बेसिक ट्रिक है। और भाई आप लोगों को सिंपल सा, जैसे कि आप लोग इधर कोने में देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों को रिपोर्ट कह के नीचे। तो बहुत लोगों का हो जाता है ना, मेरा गलती से नाम चेंज हो गया, या फिर आप किसी को अकाउंट सेल कर दिए, वो बंदा कैसे नाम चेंज करेगा। इसके लिए ना पबजी वाला कुछ फीचर्स वगैरह एक्टिव किए हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। तो आप लोग इधर लिख सकते हो, मतलब डिटेल्स में लिखोगे भाई मुझे गलती से मेरा नाम ऐसा हो गया वो हो गया, तो आपका जो नाम है वो 60 डे तक, मतलब पहले नाम जो चेंज किए वो 60 डे बाद आप जाके चेंज कर सकते हो। जो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ उसके बाद, मतलब 60 डे के बाद आप लोग रिपोर्ट करोगे मेरा नाम गलती से ये हो गया, तो मेरा नाम चेंज करना चाहते हैं, ये मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, मेरा नाम ऐसे टाइप की नहीं है मेरा ऑफिशियली, और ये सब समय मेंशन करना मेरा ऑफिशियली नाम ये नहीं है, ठीक है, यही लिखना। उसके बाद आप लोग देख सकते हो, मेरे सेकेंड अकाउंट में मैंने ट्राई किए थे तो मुझे इधर मिल गया है आई रीनेम कार्ड, या फिर आई कार्ड बोल सकते हो। मतलब ये फ्रेश अकाउंट है, मतलब एकदम नया अकाउंट है आप लोग देख सकते हो। और इसको जब ओपन किया था तो 60 डे बाद मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। और जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो, मुझे मेरा नाम चेंज हो गया, कलकत्ता पांडा हो गया। और ये आपको कम से कम लेवल जो है, मतलब गेम का लेवल है वो 10 रहना चाहिए, आपको 10 लेवल तक जाना ही पड़ेगा जैसे भी हो। कुछ कुछ गेम खेलो लेवल 10 इजीली हो जाता है भाई लोग, तो ये ट्रिक अभी वर्क कर रही है। तो जाओ यार जल्दी से जल्दी जाओ अप्लाई कर दो। अगर आपका अकाउंट 60 डे के मतलब कम है, मतलब अभी मान लो आप 30 दिन पहले आपका अकाउंट ओपन किया तो आपके फ़ोन में नहीं होगा। आपका अकाउंट अगर 60 डे पहले ओपन हुआ है और 60 डे पहले से जो नाम थे वो नाम ही है, तो आप लोग अगर अभी जाके रिपोर्ट करोगे तो आप लोगों को मिल सकता है ये आई कार्ड आप लोगों को टोटली फ्री में। तो आई होप आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों से भी शेयर करना। चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड ऐसे पे तो ऑल लव यू गाइस। We'll be right back.